जो मैंने पोस्ट किया ना मुझे की याद आ गई है एवरी नाइट इन माई वो बंदा पीछे डिग ना जाए घर पर जो देख रहे हैं दोस्तों के साथ देख रहे हमसाओं के साथ देख रहे आप सबका शुक्रिया आप बहुत अच्छे इंसान है और जो नहीं देख रहे शो शायद आगे जाके देखें हो सकता है आप शो मेरा कभी भी ना देखें फिर भी लव यू आप लोगों को भी लव यू एक दफा इसी बात पर कहना चाहूंगा वेलकम टू कर दी मेरी जान ये लोगों का प्यार है और अगर आप में से कोई मुझे ये भी बोल देना कि मोमिन भाई हम आपसे प्यार नहीं करते मैं ये बात मानूंगा ही नहीं मैं मननी नहीं, नहीं मैं पाकिस्तानी है मननी नहीं है गल हमने कभी को बात मानी है बड़ी मशहूर एक है कि इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस कन्स कंफ्यूज और यही हो रहा है हमारे मुल्क में आज से नहीं हो रहा बहुत सालों से हो रहा है ये गेम लंबी चलती आ रही है अगर हमारे मुल्क में कोई पार्टी जैनमन तरीके से वोट लेकर इलेक्शन जीत भी जाए तो हारने वाली पार्टी नहीं मानती कहती है हमारा जलसा बढ़ा था हमारा वोट ज्यादा बढ़ा था हमारा वोट पक्का था पांच साल इसी चीज में गुजर जाते हैं ठीक है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट वाले दिन मेरा को भाई मानता है अगर फेल हो जाए फेल तो बहन भी हो सकती है लेकिन अबू को यही कह रहे होते हैं ए चेकर था को मसला सी। मैं पेपर ठीक किया है दुकान से आपको चीज़ ले लें वही चीज़ अगर आप वापस करने दुकानदार के पास जाएं तो दुकानदार ही नहीं मानता तो आपने मुझसे चीज़ ही नहीं ली मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं तो खरा शुरू कर देना है ये तो कोई बात नहीं ये तो कोई बात नहीं मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो लेकिन मुल्क में सास बहू को नहीं मानती बहू सास को नहीं मानती ये हो क्या रहा है हम तो कानून को नहीं मानते यार दो सौ के चलान के पीछे पैंतीस लाख तरले कर देने हैं मान जाओ ये है वो है लेकिन वो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये बाद में आता है स्टेज टू स्टेज वन में तू जानता नहीं मैं कौन भाई फोन पर बात करें भाई बात तो करें वो फिर जब बात नहीं होती भाई फिर माफ ही करें तो ठीक है मानते हम किसी की नहीं है और अगर किसी को मनवाना आता है ना देखो प्यार से प्यार इतनी प्यारी चीज़ है कि प्यार से आप किसी को भी मनवा सकते हो ये ये ताकत है ये मोहब्बत की ताकत है तो मेरे हिसाब से अगर किसी को मनवाना आता है ना तो पंजाब पुलिस है फिर बंदा मानदा है फिर बंदा वो भी मानदा है उन्हें नहीं भी किया ठीक है वो फिर माशाला बातें तो होती रहेंगी हंसी की मज़ाक की आपकी मेरी लेकिन खैर वही बात है कि मानते हैं हम अपनी है और अपने दिल की अपने दिमाग की सुननी भी चाहिए इसमें कोई मसला नहीं है मसला तब होता है जब आप कोई ऐसा फ़ैसला ले लो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे तो ऐसा कोई फ़ैसला अपने लाइफ में नहीं लेना अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहो प्यार बांटते रहो इसी प्यारी बात के साथ मैं शो को आगे लेकर चलूंगा और बुलाऊंगा हमारे आज के मेहमान को तो हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं बेशुमार ड्रामाज किए हैं टीवी लगाएंगे ना तो अगर ड्रामा में नहीं तो ऐड में आपको यही नज़र आ रहे होंगे इसका मतलब क्या है बच्चों मतलब कि इन्होंने बेशुमार पैसे इकट्ठे किए इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप आज उनसे उधार मांग लें क्योंकि ये बहुत ही टैलेंटेड हैं लाखों दिलों की जान है बहुत हैंडसम भी हैं दिल के बहुत है आपकी मोहब्बत में जोश में भलेबले में तालियों में हो समा भाई मिलना चाहूंगा भाई, कैसा आपका सफर बहुत थका देने वाला मैं सांबा से हूँ रात ग्यारह बजे चला था सुबह छह बजे हूँ। ये उर्दू वाला सफर हुआ कि इंग्लिश वाला ये दोनों सफर हुए क्योंकि ड्राइवर मेरे से ज्यादा थका हुआ था उसने कहा भाई भेरा पे भे रुकना एक घंटा चाय पीऊंगा खाना खाऊंगा फिर आऊंगा एक घंटा चाय पियूंगा खाना खाऊंगा फिर आऊंगा लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप इतना सफर करके आए सुबह छह बजे से उठे हुए हैं लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी देखो कि जो हो गया सो हो गया अब तो मैंने नहीं मैं चार घंटे सोया हूँ बीच में चार घंटे सोए हैं और नींद तो नहीं चाहिए वरना सोफा लंबा अभी मैं लाहौर में ट्रैफिक में फंसा मुझे लगता है बातें सिर्फ कराची में ट्रैफिक फंसती है बारिश में तो लाहौर में फंस जाता है लाहौर में तो ये वाटर पार्क बन जाता है बिल्कुल ऐसे ही, ही ये कलमा चौक मैं दो घंटे फंसा रहा हूँ आपकी गाड़ी आई है मुझे लेने के लिए रेस्क्यू किया मुझे रेस्क्यू? आपको जब जब लाइफ में शो का आगाज करने से पहले गुजरावाला से गुजरा का है माशाल्लाह गुजरावाला के टिक्के भी बड़े मशहूर हैं वैसे वहाँ पहलवान होते हैं तो चिड़े शौक से पसंद करते हैं या फिर क्या खाने में क्या मैं नॉर्मली खाना इतना पसंद नहीं करता मैं अवॉइड ही करता हूँ खाना अच्छा? लग जाता है फॉरन लेकिन मैंने सुना आपको खाना बनाना आता है खाना बनाना आता है बनाने में कोविड के दिनों था? में मैंने सीखा खाना बनाना अच्छा क्या हाँ, बना ले भिंडी बना लेता हूँ क्या कहते हैं चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ और दाल बना लेता हूँ दाल भी बना लेता हूँ तो आज हमारे जो गेस्ट यहाँ पे हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ. तो आप इधर लाइव हमें ये तालियां नहीं इस शो में होंगे आपसे सवाल हम एक्सपेक्ट करेंगे मजे मजे के आपसे जवाब साथ होंगी कुछ गेम्स सेगमेंटिंग बैटल और ऑडियंस क्वेश्चंस तो उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे आपकी तरफ पहला सवाल कुछ ऐसा नहीं होना एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन <laughs> करनी है लेकिन मुझे दोबारा ड्रामा बहुत हिट हुआ। हदीका के साथ आपने काम किया, बिलाल मारे। <laughs> तो हमने सुना है कि वो काफी, रीटेक काफी रीटेक और किसी पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जान पूछ के कहा था यार आप मार देना जी मारे तो बंदा कहता है यार चलो ठीक है मतलब वो थप्पड़ भी प्यार था उनका उसके हर थप्पड़ के बाद उन्होंने सॉरी किया मतलब। क्या हर But overall, experience रहा का? उसके बारे में बताएं बहुत अच्छा था तो दानिश भाई डायरेक्टर थे तो और बाकी सारी टीम बहुत अच्छी थी हदीका जी के साथ पहला एक्सपीरियंस था तो मैं जरा डरा हुआ था हदिका जी पुरानी फिलहाल तो है ही अच्छा

लेकिन उन्होंने सिखाने की बड़ी कोशिश की मुझे जितना सीख गए थोड़ा बहुत सीख गए तो ये एक अच्छी चीज थी कि जी कह दी हर बंदे को अप्रिशिएट करती थी कि बुरा भी काम कर रहा हो ना तो कहती है, नहीं नहीं अच्छा 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 <laughs> अच्छा अच्छा नहीं ये ठीक है अगर कोई बुरा भी कर रहा हो तब भी क्या अगला बंदा किसी दुकानदार ने गलत कपड़े भी दे दिए नहीं अच्छा अच्छा ऐसा अगर कोई हो जाए तो बहुत ही अच्छा है वो ये होता था कंफ्यूज नहीं होता था बाद में जाके वो समझाते थे कि यार देखो ये 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 कर सकते हो तो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि पब्लिक में आपको कह दें कि हाँ ठीक है और अकेले में जाके समझाएं किसी की बुराई जो होती है अकेले में जाके की जाए तो ज्यादा अच्छा बजाय इसके कि आप पब्लिक में जाके उसको जलील करें और एक हदीका जी की बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी कि किसी के गम में मतलब किसी की फौज की जाए कुछ हो जाए तो वो कहती थी कि वहां पर तो जरूर जाना है खुशी में तो हर बंदा ही जाता है ये चीजें होनी चाहिए हम में नॉर्मली नहीं है जैसे बहरोज भाई है बहरोज भाई बिल्कुल फैमिली की तरह है तो बहरोज भाई को आप सुबह चार बजे फोन करेंगे ना बहरोज भाई ये मसला है बहरोज भाई चल मेरे साथ अच्छा ऐसे लोग नहीं मिलते आप लड़ाई वड़ाई हो जाए तो पहुंच जाते हैं पहुं मजे की बात है लड़ाई हो जाए पहुंच जाएंगे और जब जिससे लड़ाई होगी बहरोज जा बहुं बहुं जा भाई के दोस्त निकलेंगे बहरोज भाई कितने हो जाते हैं या कितना बहरोज भी सुलगख करा देंगे यार देख तेरा मसला तेरा मसला है दोनों ही गलती चलो चलो बैठ जाओ जाओ घर